दोस्तों, अगर आप सभी ने पुराने दौर की फिल्मों को देखा होगा तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि उस दौर की कोई भी फिल्म मुख्य कलाकार के बचपन से शुरू होती थी, जिसमें उन्हें या तो चोर दिखाया जाता था या फिर गरीबी में। और यही वजह रही कि उस दौर में बाल कलाकारों की काफी डिमांड थी, और उसी कमी को पूरा करते हुए नजर आए थे हमारे बॉलीवुड के कुछ नन्हे नन्हे बाल कलाकार, जिन्होंने फिल्मों में लीड एक्टर के रोल को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था कि लोग उन्हें देखकर दंग रह गए थे। पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो वो इंडस्ट्री से गायब होते चले गए। आज वो कहाँ हैं और क्या करते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पुराने दौर के कुछ मशहूर बाल कलाकारों के बारे में बताने वाले हैं, जो आज काफी बदल चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो बाल कलाकार। नंबर एक, मास्टर मंजुनाथ। मालगुडी डे सीरियल के साथ साथ 68 फिल्मों में काम कर चुके मास्टर मंजुनाथ ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। पर 19 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूरी बनाकर पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में नजर आ चुके मास्टर मंजुनाथ अब काफी बड़े हो चुके हैं, जो अपनी 40 साल की उम्र पार करने के साथ साथ पहले से काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनकी पहली वाली स्माइल आज भी बरकरार है, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख ही रहे होंगे। इसी के साथ आपको बताते चलें कि आज ये बतौर अभिनेता नहीं बल्कि बेंगलुरु में अपनी PR कंसल्टेंसी चलाते हैं, और साथ ही नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेस के लिए भी काम करते हैं। और इन बीते सालों में इन्होंने स्वर्ण रेखा नायकर से शादी भी रचा ली है, जिनके साथ ये मुंबई में रह रहे हैं। नंबर दो, मास्टर रवि। फकीरा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बाल कलाकार मास्टर रवि तो आपको याद ही होंगे, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में महानायक अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था, और अपने करियर में लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करके खूब तरक्की हासिल की। लेकिन आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभा चुके मास्टर रवि आज काफी बड़े हो चुके हैं और बिल्कुल पहले की तरह ही दिखाई देते हैं। हूबहू वही स्माइल, वही गोलू मोलू चेहरा आज भी इनकी पहचान बना हुआ है, जो कि आप इन तस्वीरों को देखकर झट से पहचान सकते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया है और बेंगलुरु में हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस चलाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से काफी दूर रखते हैं, इसीलिए इनके बारे में ये नहीं पता कि इन्होंने घर बसाया है या नहीं। मास्टर राजू। चित चोर, बावर्ची और नफरत जैसी कई फिल्मों में अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीतने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट का असली नाम राजू श्रेष्ठा है, पर इन्होंने फिल्मों में एक नन्हे बच्चे का किरदार इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि लोग इन्हें मास्टर राजू के नाम से ही पुकारने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में नजर आए हुए मास्टर राजू आज काफी बड़े हो चुके हैं, पर पहले जितने हैंडसम नजर नहीं आते। जहां ये बचपन में गोलू मोलू क्यूट से नजर आते थे, पर बड़े होने के साथ साथ आज ये पहले से काफी मोटे हो गए हैं, और इसी वजह से इनका लुक उतना खास नहीं लगता। पर हाँ, ये पहले के मुताबिक काफी स्टाइलिश हो चुके हैं, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बताते चलें कि आज ये फिल्मों में सक्रिय हैं, जो इक्का दिक्का फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं, पर आज भी ये पहले की तरह सिंगल हैं, जो मुंबई में फैमिली के साथ रहते हैं। नंबर चार, मास्टर सत्यजीत। 80 के दशक के लोकप्रिय बाल कलाकार थे मास्टर सत्यजीत, जिन्होंने खिलौना, समाधि, शोर और धर्म कर्म जैसी कई फिल्मों में बहुत से बड़े कलाकारों के बचपन का किरदार निभाया है। पर जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इन्होंने अपने एक्टिंग को एक लेवल और ऊपर कर दिया और कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल निभाते रहे। इन्होंने अर्जुन, डकैत, शोला और शबनम और त्रिदेव जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है, पर कुछ समय बाद ही इन्होंने अपना रुख एक्टिंग से निर्देशन की ओर कर लिया और वर्तमान में ये बतौर निर्देशक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनमें आए बदलावों की, तो आपको बता दें कि ये आज पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जिन्हें शायद ही आप पहली नजर में पहचान पाए, क्योंकि आज ये पहले से काफी स्टाइलिश हो चुके हैं, पर बढ़ती उम्र के साथ इन पर भी बुढ़ापा साफ तौर पर झलकने लगा है, जो कि आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये वर्तमान में अपनी पत्नी रीता पुरी के साथ लोखंडवाला में रहते हैं। नंबर पाँच, मास्टर बिट्टू। 70 और 80 के दशक की लगभग हर दूसरी फिल्मों में मशहूर अभिनेताओं के बचपन का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार थे मास्टर बिट्टू, जिनका असली नाम विशाल देसाई है। ये वही बाल कलाकार हैं जिसने लगभग हर दूसरी फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाया था।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के बचपन का किरदार निभाने वाले अभिनेता विशाल देसाई आज काफी बड़े हो चुके हैं और पहले की तरह ही काफी हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं। मगर आप इन्हें पहली नजर में देखेंगे तो शायद इन्हें पहचान ना पाए, जैसा कि आप इनकी बचपन और अब की तस्वीरों को कंपेयर करके देख सकते हैं। बता दें कि मास्टर बिट्टू आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं, पर बतौर अभिनेता नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं, जिन्होंने बागबान और भूतनाथ जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। बता दें कि आज भी पहले की तरह ही सिंगल हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी बाल कलाकारों में से किस बाल कलाकार का अभिनय सबसे ज्यादा पसंद आया था, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।